हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र स्वामी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लास स्वामी पर। आइए सीखते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड आज के समय में एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। इससे जुड़ी लगभग सारी जानकारियां आपको इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल से ही मिल जाती है, लेकिन आज भी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट यूज नहीं करता है। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने कई सुविधाएं शुरू की है, जिसमें आपको बिना इंटरनेट के ही ओनली एक SMS के जरिए आपको आधार से जुड़ी जरूरी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। आइए डिटेल से जानते हैं इस सुविधा के बारे में। UIDAI ने आधार से जुड़ी कुछ ऐसी सेवाएं शुरू की है जिन्हें आप SMS के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नहीं तो आपको इंटरनेट से UIDAI की वेबसाइट पर जाने की जरूरत है और न ही आधार ऐप को डाउनलोड करने की। और तो और, यदि आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, बस सिंपल वाला फोन है ना, तो भी आप ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं VID यानी कि वर्चुअल ID की। वर्चुअल ID जनरेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर GVID उसके बाद स्पेस और आपके आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट टाइप करके 1947 पर यानी कि 1947 पर सेंड कर देना है। अब आपको RVID स्पेस उसके बाद आपके आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट टाइप करना है। आप दो तरीकों से अपना OTP पा सकते हैं। पहला है आधार नंबर से और दूसरा है VID के जरिए। आधार नंबर से पाने के लिए आपको कैपिटल लेटर में गेट OTP उसके बाद स्पेस और आपके आधार के लास्ट 4 डिजिट टाइप कर देने हैं, और VID से OTP के लिए गेट OTP उसके बाद स्पेस और आपकी VID के लास्ट 6 डिजिट टाइप कर देना है, और अगली सर्विस से लॉक एंड अनलॉक की। आप सिर्फ एक SMS सेंड करके अपने आधार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। आप अपने आधार को जब चाहे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वर्चुअल ID होना जरूरी है, जिसको जेनरेट करने का तरीका मैंने अभी बताया था। SMS के जरिए आधार को लॉक करने के लिए आपको SMS में गेट OTP और उसके बाद स्पेस और आधार के लास्ट 4 डिजिट टाइप करके 1947 पर सेंड कर देना है। OTP मिलने के बाद आपको SMS में लॉक UID उसके बाद स्पेस और उसके बाद आपके आधार के लास्ट 4 डिजिट्स और उसके बाद स्पेस और अपना OTP टाइप करके सेंड कर देना है। अब अपने आधार को वापस अनलॉक करने के लिए आपको SMS में गेट OTP स्पेस और VID के लास्ट 6 डिजिट्स लिखकर सेंड कर देना है, और OTP मिलने के बाद आपको SMS में अनलॉक स्पेस VID के लास्ट 6 डिजिट्स और उसके बाद स्पेस और उसके बाद आपको अपना OTP टाइप करके सेंड कर देना है। तो यह था आज का हमारा वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आती ही रहती हैं।